Today we are going to start fourth lesson, Bakasurudi Vindu. So who is this Bakasur? Bakasur is the demon, or you can say Rakshas. So Vindu means feast. It is the feast for Bakasurudu, and it is written by Polkampalli Shanta Devi. So let us start. Kindi Bommanu Chudandi, Look at the picture given below. नीचे दी गई पिक्चर को देखिए प्रश्न लू क्वेश्चन सवालत हैं फर्स्ट वन पाई चित्रम लो एम उन्नाई वॉट आर देर इन द इन पिक्चर ऊपर वाली पिक्चर में क्या क्या है आंसर पाई चित्रम लो पेली कूतरू पेली कुड़को पेली कूतरू तली तंड्री तकेड़ो इंगार नगलू नोट कटल मोदल सो इन दि अबॉफ पिक्चर द ग्रूम ब्राइड ब्राइड ब्राइड्स पेरेंट्स मदर एंड फादर एंड इन द बैलेंस, ऑन दि अदर इल्लू मीन्स हाउस, कार, एंड ज्वेलरी एंड द बंडल ऑफ नोट्स एक्सेट्रा आर प्रजेंट ऊपर वाली पिक्चर में जो दुल्हन है दुल्हन है दूल्हा है दुल्हन के माता पिता है और तराजू के दूसरी साइड में घर है कार है और ज्वेलरी है और नोटों के बंडल है और दूसरी चीज भी है ई बम देनी की संबंधित चिंदी ई बुम्मा देनी की संबंधी चिंदी ये पिक्चर जो है वो किसके बारे में है टू विच और टू वॉट दिस पिक्चर इज रिलेटेड टू ई बुम्मा वरकटनानी की संबंधी चिंदी दिस पिक्चर इज रिलेटेड टू डाउरी वरकटना मीन्स डाउरी ये पिक्चर दहेज के बारे में है दीनी पै मी अभिप्रायम एमिटी वॉट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस इस बारे में आपकी क्या राय है आंसर वरकटनम अने दुराचारम समाजम लो पेदा समस्यागा मारिंदी द इविल ऑफ़ डाउरी हैज़ बिकम अ बिग प्रॉब्लम इन द स सोसाइटी दहेज की जो बुराई है वो एक बहुत बड़ी समस्या और बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है हमारी सोसाइटी में आड़पिक To get अ गर्ल child married has बिकम अ बिग बर्डन फॉर पेरेंट्स दहेज की बुराई की वजह से माँ बाप के लिए बेटी की शादी करना बहुत ही दुश्वार बन चुका है बहुत ही मुश्किल हो चुका है इलाटी दुराचारालनु रूपमापटा की मनमंत मुकुरावाली दीनिनी निर्माि निर्मूलिंचा की कृषि चेयली वी मस्ट ऑल कम फॉर्वर्ड टू स्टॉप सच इविल्स एफर्ट्स शुड हैव टू बी मेड टू रेडिकेट इट टू फिनिश इट हम सबको इस तरह की बुराइयों को रोकने के लिए आगे आना चाहिए उसके खात्मे करने के लिए उसका खात्मा करने के लिए कोशिश करनी चाहिए पाठम उद्देश्य वरकटनम अने दुराचारम समाजम लो समस्या समस्यागा मारिंदी सो द डाउरी हैज़ बिकम अ बिग प्रॉब्लम इन अवर सोसाइटी दहेज की जो लानत है दहेज की जो बुराई है वो आज हमारे समाज में बहुत बढ़ चुकी है बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है आड पिल्ल को य तल को भारती गेट अ गर्ल चाइल मैरिड इट हैज बिकम अ बिग बर्डन फॉर द पेरेंट्स। देरेबाप के लिए औरत बच्ची की शादी करना एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है इट इटंट दुराचारूपमापटा की नेडी नडुम बिगिन चालनी चेपटम। ई पाठ्यभागम उद्देश्यम टू स्टॉप दिस टाइप ऑफ इवेल्ट टूडेज गर्ल्स शुड हैव टू टाइटन देयर वेस्ट दिस इज पर्पस ऑफ दिस लेसन ऐसी बुराइयों को खत्म करने के लिए आज के लड़कियों को अपनी कमर कस लेनी चाहिए यही इस लेसन का पैगाम है पाठ्य भागम विवरालू। लेसन डिटेल्स इस कहानी के तफसील पाठम कथा अने प्रक्रिया को दिन दी दिस लेसन इज जस्ट लाइक अ स्टोरी ये लेसन एक कहानी के जैसा है उकरु चेपुतुंडगा इतरु लु आसक्ति तो विनेदी कथा वेन वन टेल्स अदर्स लिजन टू इट विथ इंटरेस्ट जब कोई कहानी बोल रहा है तो सारे लोग दिलचस्पी के साथ सुनते हैं ये उस तरीके की कहानी है ई पाठम पल्ली शांता देवी रासिना मरणम अंशुना मंदहसम अनेकतला कथला सम्पुट्टी लो निधि दिस लेसन इज रिटर्न बाय पल्ली शांता देवी सो इट इज़ फ्रॉम द लेसन मरणम अंशुना मंदहसम एंड इट इज एक्स्ट्रैक्टेड और इट इज टेकन फ्रॉम मरनम अंचुना मंद हसम विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज एंड इट इज़ रिटर्न बाई पुलकम पल्ली शांता देवी ये लेसन मरनम अंचुना मंद हसम बोल के एक कहानियों की किताब है उसमें से लिया गया है और जिसको लिखने वाले हैं पुलकम पल्ली शांता देवी रचयित्री परिचयम ऑथर्स इंट्रोडक्शन लेखक का परिचय पुलकमपल्ली शांता देवी महबूब नगर जिला वनप्रति लो 1942 लो जन्मिंच पुलकमपल्ली शांता देवी बॉर्न इन 1942 इन महबूब नगर विच इज इन इन महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट वनपर्ति प्लेस ओके okay. पुलकमपल्ली शांता देवी 1942 को पैदा हुए और इनो वनपर्ती नामक गांव में पैदा हुए जो कि महबूब नगर जिला में है आ में सेवेंटी फाइव कथा लू सिक्सटी टू नावल लू रचिन चिधी शी हैज़ रिटर्न सेवनटी फाइव स्टोरीज एंड सिक्सटी टू नावल्स इन्होंने पचहत्तर यानी सेवेंटी फाइव कहानियाँ और बासठ यानी सिक्सटी टू नावल्स लिखी तेलुगु विश्वविद्यालय नुंडी उत्तम रचयित्री पुरस्कार शी गॉट बेस्ट ऑथर अवार्ड फ्रॉम तेलुगु यूनिवर्सिटी इन्हें तेलुगु यूनिवर्सिटी से बेहतरीन लिखने वाले बेहतरीन लेखक का अवार्ड मिला अभिनंदन संस्था नुडी मादिरेड्डी सुलोचना स्मारक पुरस्कार वंटी गौरवालनु पंदिनदीप रिसिव्ड ऑनर्स सच एज माधिरेड्डी सलोचना मेमोरियल अवार्ड फ्रॉम द अभिनंदना ऑर्गेनाइजेशन सो लाइक दिस शी हैज़ रिसीव्ड ऑनर्स इन्हें अभिनंदना ऑर्गेनाइजेशन से माधिरेड्डी सलोचना स्मारक का पुरस्कार बोल के अवार्ड मिला स्त्री चैतनया स्रवंती పేరుతో సంస్థను స్థాపించి మహిళాభ్యోదయం కోసం అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టింది సో షీ ఫౌండెడ్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ కాల్డ్ స్త్రీ చైతన్య స్రవంతి అండ్ క్యారీడ్ అవుట్ వేరియస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫార్ ది అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఆర్ ఫార్ ది ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ ది ఉమెన్ ఇన్వనే स्त्री चैतन्या स्रवंती नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन कायम की और उस ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए से कई काम किए जिससे के जिसके जैसे के जिसकी मदद से औरतों के लिए भलाई की जाए चलिए अब हम लेसन शुरू करते हैं लीला को ई रोजो मतदी सारी पेली चूप लू लीला हैज़ गॉट अ मैरिज प्रपोजल फ़ॉर द फर्स्ट टाइम लीला को आज पहली बार रिश्ता पूछने के लिए आए यानी रिश्ता रिश्ते की बात करने के लिए उनको देखने के लिए आए और मध्य तरगति अम्माई पेल्ली चूपुला ए विदंगा जरूतायो अलागे जरिगाई हाउ द अरेंजमेंट्स वर मेड इन मिडिल क्लास फैमिली टू डिस्कस अबाउट द मैरिज लाइक द सेम बीइंग डन बाय लीलास फैमिली जैसा कि एक मिडिल क्लास बच्ची के लिए शादी की तैयारी शादी की बातचीत के लिए जैसी तैयारी की जाती है उसी तरीके से लीला के लिए भी तैयारी की गई पिलू शल्य परीक्षा चेस्ट निर्भयगा कल्लु पत्तिकायलु कायलू चेसकोनी चूशाड़ू वरु सो द्रूम ग्रूम गेज्ड एट हर फियरलेसली By widening his eyes like he is taking the exam of the bride बच्ची को यानी दुल्हन को दूल्हा जो है वो घूर कर देखने लगा जैसा कि वो उसका एग्ज़ाम इम्तिहान ले रहा हो यहाँ पर जो वर्ड है पत्ती कायालू पत्ती कायालू मीन्स जो रुई के फूल होते हैं वो बड़े बड़े तो उस तरीके से वो दूल्हा भी अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर कर दुल्हन को देखने लगा पिल्ला उरगा आईना स्पष्ट गाने सो गर्ल विथ शाइनेस बट क्लियरली सॉ द ग्रूम सो शी 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 सॉ द ग्रूम क्लियरली लड़की ने शर्माते हुए शर्माते हुए लेकिन फिर भी दूल्हे को साफ तरीके से यानी क्लियरली देख लिया इंटलो की वेल्लम्मा గో ఇన్సైడ్ లీలా తండ్రి నారాయణరావు చెప్పాడు సో ద లీలాస్ ఫాదర్ ఈస్ నారాయణరావు హీ సెట్ గోయిన్సాయిడ్ డాటర్ లీలా కే ఫాదర్ నే కహా అందరు జావు బేటీ ఆహా ఇక ఇచ్చి పుచ్చు కోవడాల సంగతి మాట్లాడుకుందామా మధ్యవర్తి వ్యవహారంలోకి దిగాడు शल वी नाउ टॉक अबाउट वाट आर यू विशिंग टू गिव इन मैरिज सेट द मीडिएटर सो द मीडिएटर मध्यवर्ती व्यवहार हम लोग की दिगाड़ू मीन्स द मीडिएटर आस्ट दस्ट नारायणा राउ शल वी टॉक अबाउट वाट आर यू गोइंग टू गिव इन द मैरिज जो बीच वाला आदमी है जिसको हम कहेंगे मुशाह या ब्रोकर तो वो ब्रोकर कहने लगा कि चलो हम अब लेन देन की बात करते हैं पिल्ला नचना तरवाता कदा दट इज़ आफ्टर द ग्रूम डिसीजन लाइक वेदर ही लाइक द गर्ल और नॉट वो तो बच्ची पसंद आए बाद में करेंगे ना चिप्पैया सुधाकर पिल्ला नचिंदा नाउ टेल सुधाकर डू यू लाइक हर सुधाकर बोलिए क्या आप बच्ची को पसंद करते हैं आहा संतृप्ति तो तलाडिन चाड़ू सो ही नॉल रेडी इज़ हैड इन एग्रीमेंट लाइक ही लाइक द गर्ल शुग इज़ हैड विथ सेटिस्फैक्शन सो देट मीन्स ही इज़ लाइक द ही लाइक द गर्ल तो वो लड़की से लड़की से खुश हुआ या लड़की को पसंद करने लगा तो इसीलिए उसने हाँ कह दिया सर हिलाकर कुंचम आप पढ़ लू ए कपोते बागुंडे दंडी इट वुड बी नाइस इफ दोस्ती तो यह क्या कह रहा है वो लड़का अगर थोड़े दांत पीछे होते तो बेटर रहता यानी थोड़े दांत आगे है बोलने का मतलब आईना परवा ले दू आईना परवा ले दनुकोंडी नाकु ना ही कमेंटेड ऑन द तीत स्ट्रक्चर ऑफ द गर्ल बट इवन विद दिस ही लाइक द गर्ल ही सेड ही इज लाइकिंग द गर्ल विथ दट तीथ यहां पर यह कह रहा है कि अगर दांत ऊंचे हुए तो भी परवा नहीं है मुझे लड़की पसंद है पक्का गदी लो तलुपक्कने नीला बड़ी उंदी लीला लीला इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द डोर इन द नेक्स्ट रूम सो वेर इज लीला लीला इज जस्ट बिहाइंड द डोर इन द नेक्स्ट रूम नेक्स्ट रूम लीला बाजू के रूम में दरवाजे के पीछे बिल्कुल ही पीछे ठहरे हुए थे और ये बातें सुन रहे थे वरुडू अंत निर्मोह माटंगा एमरडानी तनकू हक्कु उन्नट्टुगा तन पल्लमिदा कामेंट काम चंक सो व्हाट डिड शी सेड ग्रूम कमेंटेड सो रूडली ऑन हर तीत शी सेड शी डजंट लाइक दैट एंड शी सेड दैट ही डजंट हैव एनी राइट टू कमेंट ऑन हर तीत दूल्हा जो है वो इतना बेबाक पने से और इतना बेजती के साथ जो लीला के दांतों पर कमेंट करा है वो उन्हें लीला को पसंद नहीं आया और वो ये कह रही है कि उनके उन्हें कोई हक नहीं है मेरे दांतों पर ऐसा कमेंट करने का आ पिल्ला उड़ लो मंडी पोइंदी शी फेल्ट इरीटेटेड दैट इज़ शी गॉट एंगर बच्ची को लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया एम अब्बाई नच्चाड़ा अनि तनु अडगरेम ओ गर्ल डू यू लाइक द बॉय इफ अनी वन आस्ड हर ए लड़की क्या तुम्हें लड़का पसंद है ये अगर किसी ने पूछा होता आयना कल्लू अंता मिडीगुडला उन्नाएम ऐ न पर्वले दू नच्चाड़ू अनी ही हैज बल्जिंग आईस वाइड ओपन आईस लाइक द ओवल ईवेन दो आई लाइक हिम शी वुड हैव सेड लाइक दिस इफ एनी वन आस्ड हर अगर लीला को कोई पूछते तो लीला ये कहते क्या कहते उनकी आँखें उल्लू की आँखों की तरह बड़े बड़े है लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे लड़का पसंद आया ये कहते पेद्दला व्यवहारम चाला निर्मोह माटंगा कच्ची तंगा ने नड़ी चिंदी सो द एल्डर्स ऑफ टू फैमिलीज एक्सचेंज देयर आइडियाज़ विथआउट हेसिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के जो बड़े लोग थे दो भी फैमिलीज़ के दो भी ख़ानदान के वो एक दूसरे से बात करने लगे बिना किसी रुकावट के वरुणी रेटू पदवेलूगा तेलिंदी इनका आड़ पिल्ला लाछनालू अवी इवी दे फिक्स्ड द प्राइस ऑफ ग्रूम एज रुपीज टेन थाउजेंड दैट मीन्स दे आस्क्ड डाउरी ऑफ रुपीस टेन थाउजेंड एंड अदर मटेरियल्स विच वर गिवेन टू ब्राइड्स टू बी दूल्हे का जो प्राइस है वो दस हजार रुपये मांगा गया यानी वो जोड़े की रकम जैसा दहेज के नाम पर पैसे दस हज़ार रुपये पूछे गए और दूसरा जो सामान जो शादी में दिया जाता है औरत बच्चियों को वो पूछा गया नारायण राव मुखम कंचम पाली पोइी नारायण राव स्ेस्ट टर्न अ लिटिल पेल नारायण राव का चेहरा उतर ऐसा demand सुनकर नारायण राव का चेहरा उतर गया आयना ईद नम गयर ऐटी लाछनलते तन वल अवतना ही हिथाउ दट इफ दे हैव आस्ट फाइव थौज rupees cash, एंड अ रिंग एंड अ वॉच दट ही कैन ए ही कैन बी एबल टू अरेंज दट ही थाट लाइक दट नारायण राव ये सोचने लगे कि अगर ये लोग मुझसे पाँच हज़ार रुपये कैश एक अंगूठी और एक एक घड़ी पूछते और ये मटेरियल मुझसे पूछते तो मैं शायद इसका इंतज़ाम कर सकता था आ माटा तेल ची चबित ई संबंधम इपुड़े बेड़कोड़े मो नाम जंकुतो इफ आई से दिस आई मे लूज दिस मैरिज प्रपोजल थॉट नारायण राव ही इज़ फियरिंग जो नारायण राव है वो ये सोचे कि अगर मैं ये बात यानी पाँच हज़ार की घड़ी की रिंग की ये बात अगर मैं बोलूँगा तो ये रिश्ता छूट जाता यह रिश्ता ये तूट जाता ये बात से डरने लगे आदिवार नैन की वस्ता अट्लाकू वि कम आ स आदिवार इन संडे दैन वी विल टॉक् अबउट एवरीथिंग सदन नारायण राव नारायण राव ये कहने लगे कि मैं इतवार को वहाँ पर आऊँगा और हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे पेली चू कार्यक्रमम कार्यक्रम मुगसी पोइंदी द प्रोग्राम ऑफ मैच मेकिंग इज़ एंडेड जो शादी की बात थी जो देखना दिखाना था दुल्हन को देखने का कार्यक्रमम ये जो है सो